Hello and welcome. You're watching India Today. We will shift focus directly now to Gurugram, where the Education Minister of Haryana, Rambilas Sharma, is addressing journalists. जो संवैधानिक आवश्यकता होगी बच्चों की घर से लेकर विद्यालय तक और विद्यालय से लेकर के घर तक जिम्मेवारी ये प्रबंधकों की होगी इसमें कोई भी कोताही करता हुआ मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ये हम अपने विद्यालय के मैनेजमेंट को भी प्राइवेट मैनेज्ड जो विद्यालय हैं उनको भी ये हिदायत कल हम जारी कर रहे हैं हमारी इस बैठक में कई तरह की मंत्रणा हुई एक मंत्रणा में ये भी बात आई कि क्यों ना इस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाए परंतु 1200 बच्चे इस विद्यालय में हैं उनके अभिभावकों का ये कहना था कि मैनेजमेंट की सजा हमारे बच्चों को ना दी जाए परंतु इसमें किसी तरह का भी लैप्स चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे इसका मालिक है उनके सब के खिलाफ हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है जस्टिस एक्ट में 275 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है उसकी पुलिस कमिश्नर एक एक्ट जुविनाइल एक्ट है उसकी धारा 75 के खिलाफ हम मैनेजमेंट के खिलाफ मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और ये जो कल्प्रिट पकड़ा है प्रद्युम्न का जो हत्यारा पकड़ा है उसमें आप जानते हैं अदालत में बात को साबित करने के लिए पुलिस को निश्चित कुछ प्रमाण चाहते हैं वो पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है और विद इन ए वीक हम उसको अदालत में पेश कर रहे हैं विद फुल चार्जशीट इसके बाद भी यदि बच्चे के माँ बाप को कोई तसल्ली नहीं हो वैसे तो इस मामले में क्योंकि प्रमाण जो होता है इतना जघन्य अपराध होता है उसके प्रमाण तुरंत मिल जाते हैं हमने अपनी पुलिस ने सारा काम किया है फिर भी यदि माँ बाप को तसल्ली नहीं है तो किसी भी एजेंसी से हरियाणा सरकार उनकी मदद करा सकती है पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि 7 दिन के अंदर जब हम अदालत में मुजरिम को पेश करेंगे और जिन प्रमाणों के सहित हम करेंगे उनके माँ बाप को संतुष्टि होगी और प्रद्युम्न के माता पिता के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है कोई किसी तरह का भी हरियाणा सरकार के जिम्मे आर्थिक सहयोग भी लगाएंगे तो हम वो भी करें मैनेजमेंट के खिलाफ क्या हरियाणा के तीनों स्कूलों में सभी बच्चों से 100 रुपए इंश्योरेंस के नाम पर लिया गया एडमिशन के समय ही लेकिन किसी भी बच्चे तीनों स्कूल में किसी भी बच्चे को इंश्योरेंस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया मनी उनका इंश्योरेंस कराया गया है ये भी एक शिकायत अभिभावकों की तरफ से आई है पर मैंने ये कहा है कि अब तो ये जो हत्या हुई है मासूम की ये अपराध सबसे बड़ा हुआ है और इस अपराध में जो धारा है अवेलेबल है उसमें हम सब कार्रवाई कर रहे हैं और अभिभावकों को पुलिस की जांच पे भरोसा करता ही नहीं है क्योंकि पुलिस शुरू से ही स्कूल प्रबंधन और मालिक का नाम लेने से बच रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीसी का वहां थे हमने कई तरह को लेकिन एक बार भी उनका नाम तक नहीं लिया आपका ही मुकदमा दर्ज हो गया अभी आधे घंटे पहले हमारी एसएचओ से बात हुई थी उन्होंने स्कूल का नाम नहीं लिया एसएचओ छोड़िए आप अधिकारी जो है यहाँ बैठे हैं वो नाम नहीं ले पा रहे स्कूल का क्या उम्मीद करते हैं आपको कार्रवाई नहीं नहीं देखिए हिम्मत नहीं और इधर अधिकारियों ने नाम नहीं सर मैं जवाब देखिए एक बात सुनिए मिस्टर डी सुरेश यू नो हिम वेरी वेल
के खंडेलवाल हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और आप सब पत्रकार बहुत जिम्मेवार लोग हैं। आपके सामने हमने एक बात कही है, आपके सामने हम साल भर पहले भी थे, दो साल पहले भी थे, आगे भी आपका हमारा तो साथ है। मैं भी पुराना मदरलैंड का पत्रकार हूँ। मैंने ऑथेंटिक आधिकारिक एक बात कही है कि ये जो अपराध है इसमें मैनेजमेंट हो, कोई स्कूल की मैनेजमेंट हो, स्कूल का मालिक हो, हरियाणा सरकार इस मामले में किसी तरह की लीनियंसी नहीं बरतेगी। हूसोएवर कोई भी हो, मालिक हो, मैनेजमेंट हो, इसमें जो जो कानून के तहत होना चाहिए वो सब काम हम करेंगे। सर, जो आपने जांच की है, जो जांच रिपोर्ट आपकी आई है, क्या आप उसमें स्कूल दोषी है, स्कूल की लापरवाही है? हाँ, लापरवाही। स्कूल में आपके ही एक मंत्री ने बोला कि इस हर मामले में लेकिन आपस एजेंसी वाली बात कर रहे हैं, किसी भी एजेंसी से जा रहे हैं उसमें सीबीआई तो हमने आपसे एक बात कही है कि एक सप्ताह का समय सीमा हमने रखी है, एक सप्ताह के अंदर हमारी पुलिस अपराधी को अदालत में पेश करेंगे पूरी चार्जशीट के साथ, पूरे प्रमाण के साथ। मैंने तो क्योंकि अभी अदालत में जब तक पेश नहीं होता तो ये भी सब बता दिया है कि वो चाकू भी बरामद हो गया है, और फिर भी करके प्लीज कौन बयान बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा है, ये तो एक अलग बात है। मैं हरियाणा सरकार की ओर से आप मित्रों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर हमने समय सीमा रखी 302 के मामले में, ये सबसे थोड़ा समय होता है। क्या 7 दिन में स्कूल वाले भी होंगे तो स्कूल वाले भी फाइल करेंगे क्या, उनके खिलाफ भी चार्जशीट फाइल करेंगे? हाँ होंगे, उनके खिलाफ भी होंगे, परंतु ये जो अपराधी हमने पकड़ा है, एक एक ये जो अपराधी हमने पकड़ा है इसको अदालत में पेश करने के बाद भी यदि प्रद्युम्न के माँ बाप को तसल्ली नहीं होगी तो उनकी इच्छा अनुसार हम किसी भी एजेंसी से, चाहे वो सीबीआई। आपसे सवाल करना चाहते हैं फादर, कि एक बच्चे का पिता जो होता है वो बच्चे को स्कूल के गेट तक अपने सुरक्षित हाथों में पहुंचाता है, और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वापस उनके हाथों तक ये बच्चा सुरक्षित मिले, किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, जवाबदेही तो विद्यालय मैनेजमेंट की है, इसीलिए तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स एजुकेशन कर रहे थे, उनके आपकी पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, इसकी जानकारी नहीं है, परंतु जो स्कूल के सामने कोई ठेका था उसको हमने निर्णय लिया है, उसको हमने बंद किया है। लाठी चार्ज जो जो नेचुरल आक्रोश है पेरेंट्स का, अगर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लाठी चार्ज किया जा रहा है, कम से कम इतनी संवेदना तो रखनी चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेशन की आपके तरफ। इसकी अभी क्योंकि हम बैठक में थे, परंतु हमने जो शराब का ठेका है वो परमानेंट वहां से बंद कर दिया। प्रदेश के दूसरे स्कूलों के बगल में जिस तरह के ठेके ना हो, हादसे के बाद ही क्यों जाग रही है सरकार? सर, एक मिनट, मीटर के दायरे में ठेका प्रशासन तो नहीं है, ठेकों से क्या लेना देना? सर, एक मिनट, लोग कर रहे हैं जो है ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए सरकार कार्रवाई करने में देर कर रही है, जो प्रबंधन है बीजेपी के लोग से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, और आप देखेंगे कि हम इसमें चाहे मालिक हो चाहे मैनेजमेंट हो, 75 जो जुविनाइल एक्ट है उसके तहत भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, और इसमें पूरा
किसी को भी मालिक कौन है? मालिक जो भाई जी कह रहे हैं वो आपकी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव है, सचिव रह चुके 2015 में, पड़ता है। हाँ बताइए, इसीलिए शायद स्कूल को बचाया जा रहा है लगा करके, कोई स्कूल को देखिए, ये मेरा गुरुग्राम है, ये सब अनिल आर्य से लेकर के आप सब पत्रकार जानते हैं, नहीं नहीं ये जो बता रहे हैं स्कूल का कोई पिंटो पिंटो है, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा मंत्री है रामविलास शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर That was the education minister of Haryana, Rambilas Sharma, who said that that justice will be delivered, that the government is going to back the family and expressing solidarity. In fact, Ilma Hassan also was bringing us further details on this. But primarily what the minister had said is that they are going to look into all sorts of... The police have started a lathi charge. A lot of parents also complaining of a lot of force being used by the police. But remember, just a few minutes ago, it was the angry parents, the frustrated parents, that had lit the liquor store on fire. Just look at it right now. If we could just get in a little closer to show you what is happening. It is the anger, the frustrated parents who are outraged completely. And it is the police that is trying to send them away from the Ryan International School right now. But I could just show you what is happening. Police now using lathi charge on protesters, sending them away. This comes after the protest got violent. Now remember, while some angry parents were protesting peacefully, a lot of the parents did get a little violent eventually. People just show you what is happening. Police are lathi charging all of the protesters right now. Clearly, things are escalating. We hadn't seen anything like this in the past couple of days. For 3 days, the parents had been standing outside Ryan International School, but we never witnessed something as violent as this. You know, you had parents trying to break open the gates, you had parents chanting slogans, but in 3 days, this is the first time we have seen police actually use force on the protesters. These are parents who just a few minutes ago got violent, all of them demanding one thing, which is justice for Pradyuman. Now, of course, you have the parents who continue to remain frustrated because Ryan International School has absolutely given no answers to the parents or reassurance of the safety of their children, because school starts on Monday. But of course, they continue to remain silent and the parents continue to get more frustrated. With camera person Pradeep, this is Ilma Hassan for India Today. Well, in fact, we are getting you further details on this. Ilma also is joining us live. Ilma, the situation is becoming tense there, and also a law and order situation now with the police personnel are pushing out the family members out of the school premises as well. The liquor shop has been burnt. We're also looking at visuals of the vehicles that have been pushed down, because let's not forget, at this juncture, the parents are extremely agitated and they are trying to go ahead and demand immediate justice. They're not convinced that the conductor has been arrested, and that is it. Ilma, what further details can you give us? We will get back to her, because let's remember the situation there is still very volatile. The massive contingent of the Gurugram police have forced out a lot of parents from that area. It is, just to give you a geographical location of that area, it is on the outskirts of Delhi and towards the Sona Road area, which is primarily a highway. It heads then into a village. And there is this long stretch, a muddy stretch, which is about a kilometer long, where this school is located. A very big campus, a huge boundary wall. And that is where Punya Prasoon Vajpayee had showed that there was a liquor shop that also existed within the parameters, which it should not have. We are also getting some breaking news right now. Haryana government has also said that they will not be de-recognizing the school for now. That investigation will be followed over this. They will then reach a proper conclusion. They have expressed solidarity with the family. The Haryana Education Minister, after meeting the Divisional Commissioner, the Deputy Commissioner of the area and the DCP who is investigating the crime, briefed the minister about the details, and what he has said that as and when in the next 7 days the investigation concludes, they will be able to take some action. But the demand of the parents is that they need to
arrest the director of the school. They are specifically referring to Mr. Pinto, who is the main director of that branch. Of the Ryan branch, and they're also saying that they will not be convinced only by the arrest of the conductor. However, the minister has said, while he assures the family is in solidarity with them, they cannot de-recognize the school. And it is primarily also being said because there are hundreds of students who are studying in that school, and they will have to find at least some sort of an alternate solution when they do recognize the school. Where do those other children go? Are there enough initiatives around that area? I'm now joined by Ilma Hassan, our correspondent on ground, who was giving us those visuals. Ilma, how is the situation right now? The law and order seems to be worsening, with agitated parents now even burning down the liquor shop. Hello? Absolutely right, Pooja. You know, following the parents lighting the liquor store right here on fire, you know, things completely turned haywire, tensions escalated here, and now outside Ryan International School, which just a few minutes ago was packed with students, is completely empty because the police just a few minutes ago did a lathi charge on all of the angry protesters and other people who had gathered here as well. In fact, I have with me someone who was injured at the time the lathi charge was happening. See, his phone is completely broken. He has bruises on his back, and as you can see, police are detaining. Please bring the mic. Police are detaining people, as you can see right now as well, Pooja. If my camera person could just pan and show you what is happening over here, the police are taking the angry protesters, also trying to nab those people who are responsible for lighting that liquor store on fire. So police are detaining some of the protesters right now, because this is something unlike we've seen in the past 3 days, right? Parents have been standing here for 3 days peacefully protesting, but things completely turned haywire just about half an hour to 40 minutes ago, once the angry parents, because they got no responses from you know, the Ryan International School authorities, got extremely frustrated. You had some mothers say, let's just light this liquor store on fire, we don't care of the consequences, because why isn't Ryan International School answering us? Following which the lathi charge happened, if you can just see the bruises also of a lot of these protesters who have come here. So, you know, you had some of the parents who were responsible for breaking open the lock of that liquor store, opening the shutters and throwing bricks inside. But then, you know, as a part of a mob, you got some youth who are not involved in this matter at all, also just come in. They are the ones responsible for lighting the fire. They are the ones who were responsible for vandalizing the liquor store even more. A couple of minutes later, if I could just, you know, relay the sequence of events to you, the cops came. They asked. Stay on with us, Ilma. Ilma, stay on with us. I will come back to you. We have the minister, the education minister, speaking to our correspondent, Parbina. रिपोर्ट देखा जो एक कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें क्या स्कूल मैनेजमेंट का क्या क्या लाभ? मैडम, आपको बता रहे हैं कि इस स्कूल की चार द्वारी नहीं है। जिस टॉयलेट में प्रद्युम्न का जघन्य हत्या हुई है, उसका जो टॉयलेट का ऊपर का जो रोशनदान है, वो उस पर कोई खिड़की नहीं है, उसके ऊपर से भी आदमी आ जा सकता है, और सारी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कल आनी है। इस एविडेंस में क्या आप उनका लाइसेंस बैन करेंगे? हो सकता है सर बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सेफ फील नहीं करेंगे, उनके खिलाफ क्या स्टेप्स लेंगे? सो दैट वाज द एजुकेशन मिनिस्टर हु विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्कूल एंड आल्सो सेड दे विल प्रोसीड विद क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस अंडर जुवेनाइल एक्ट 75 फ्रॉम नाउ ऑन आफ्टर द रिपोर्ट इज आउट. विद कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव, दिस इज परवीना, गुरुग्राम, इंडिया टुडे. That is our correspondent Parbina getting us that details. We will go back to Ilma Hassan now. Ilma, the minister is assuring, but I also want to ask from you that are the police personnel now also detaining people who could have shut the liquor shop on fire? Is that true? Yes, Pooja, you heard it right. They are detaining some of the people not only responsible for lighting the liquor store on fire, but also being the ones who started this, you know, this violent protest. So there's a locality, there's a neighborhood right down this road adjacent to Ryan International School where a lot of locals stay. A lot of them became a part of this protest when it started. You know, they were saying that they are the ones who've seen these conductors and bus drivers drinking during working hours because Ryan International School has no facility for them to sit inside. So these bus drivers and conductors used to walk to the liquor store just a couple
couple of steps away from me, buy liquor and drink here. So the residents are the ones who, you know, actually brought to light this fact that you had Ryan International School staff drinking during working hours. So some of those, the people had also come over here, following which the police went and has detained a lot of them. You don't only see parents now outside Ryan International School in Sona Road anymore, Pooja. You see a lot of other elements, a lot of young people have come, some people affiliated with political parties have come as well. So this is taking a sort of a more political, violent turn. But up until yesterday, it was a very calm, very peaceful protest, only demanding one thing, the justice for Pradhuman. In fact, you had hundreds of parents do a candle march from Ryan International School to about a kilometer away till Pradhuman's house as well. At that time, none of this was happening. For 3 days, you know, we've been bringing you the latest from outside Ryan International School, but the protest never turned as violent as this. You had parents earlier trying to break open the gates, but never was there talk of lighting a liquor store on fire or vandalizing. Never was there a talk of, you know, we're not afraid of the consequences, let's do it anyway. But there's also growing agitation amongst the parents because of the fact that tomorrow is Monday, you know, school starts from tomorrow, and all of these parents, none of them want to send their children to Ryan International School. You've had so many children, you know, who've been approaching us. Ima Hassan, stay safe, and we will keep coming back to you for further details, because there is more on the other side of this bulletin. Keep watching India Today.